हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवन साइंस का चैप्टर नंबर 13 और इसका नाम है मोशन एंड टाइम। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने मेरा प्रयास किया है कि एनिमेशन से इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सिक्स्थ क्लास में आप अलग अलग प्रकार के मोशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है। क्या आप पहले जो तीन टाइप के मोशंस पढ़ चुके हैं उन्हें रिकॉल कर सकते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं रेक्टिलिनियर और सर्कुलर और पीरियोडिक। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो कुछ उनमें से स्लो होते हैं और कुछ जो है वो फास्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं स्लो और फास्ट के बारे में। आप जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो दूसरे से तेज चलते हैं और उसी के साथ साथ में कुछ और व्हीकल्स होते हैं जो पहले जो तेज चल रहा था उससे भी तेज या उससे भी धीरे वो चल सकते हैं, और वही व्हीकल अलग अलग समय पे बहुत तेज या बहुत धीरे चल सकता है। अपने आसपास आप बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स देख सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। अलग अलग उनकी स्पीड हो सकती है, वो स्लो या फास्ट कैसे भी चल सकते हैं। तो आप फिर कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्लो चल रहा है और कौन सा फास्ट चल रहा है? अगर सारे व्हीकल्स एक ही साइड में एक ही रोड पे मूव कर रहे हैं तो हम आसानी से उनको देख के बता सकते हैं कि कौन सा उनमें सबसे तेज चल रहा है। चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है 13.1। इसमें कुछ व्हीकल्स की पोजीशन दिखाई दे रही है जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक समय पे, और फिगर 13.2 में हम लोग देख रहे हैं कि उन्हीं व्हीकल्स की कुछ समय बाद की हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। और अब इन दोनों पिक्चर्स को अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगी कि कौन सा व्हीकल है जो फास्ट चल रहा है, क्योंकि उनमें से जो व्हीकल आगे जा रहे हैं वो निश्चित रूप से फास्ट चल रहे हैं और जो व्हीकल पीछे रह गए हैं वो स्वाभाविक रूप से धीरे चल रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा मूवमेंट करते हुए जो डिस्टेंस विशेष समय में पूरा किया जाता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये फास्ट चल रहा है या दूसरे की तुलना में ये स्लो चल रहा है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को सी ऑफ करने के लिए बस स्टैंड पे जाते हैं और बस स्टैंड से बस और आप दोनों साथ में रवाना होते हैं और 5 मिनट बाद में आप एक दूसरे की तुलना करते हैं, तो दोस्तों 5 मिनट बाद में बस जो दूरी कवर करेगी वो बहुत ज्यादा होगी और आपने साइकिल से जो दूरी तय की है वो काफी कम होगी। इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि बस जो है वो साइकिल से तेज चल रही है। तो इसी अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो दूसरे से तेज स्पीड पे चलते हैं या तेज चल रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में दूसरे व्हीकल्स जो हैं वो थोड़ा धीरे चल रहे हैं। जो व्हीकल एक विशेष दूरी को जल्दी तय कर लेता है वो तेज चल रहा है, और उसी दूरी को अगर दूसरा व्हीकल पार करने में समय लगाता है तो इसका मतलब वो धीरे चल रहा है। स्पीड के साथ में आप सब लोग फेमिलियर हैं, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है आप उससे आसानी से समझ सकते हैं स्पीड का क्या मतलब है। स्पीड का मतलब ये है कि हमें जब कोई डिस्टेंस दिया गया है और उस डिस्टेंस को हम कम समय में पूरा करते हैं तो वो हमारी स्पीड हो जाती है। अगर दो व्हीकल्स के बीच में या किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फास्टर मूवमेंट को आपको पता करना है तो एक फिक्स टाइम में आप लोग पता कर सकते हैं कि उस निश्चित समय में किसने ज्यादा दूरी को कवर किया है। उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्हीकल धीरे चल रहा है और कौन सा व्हीकल तेज चल रहा है। जब भी हम लोग कहते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर का सफर या डिस्टेंस तय कर लेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कार जो है वो 1 घंटे के लिए कांस्टेंट स्पीड पे चले, या ऐसा भी हो सकता है वो कम ज्यादा अपनी स्पीड को कर ले। इसलिए हम जब भी कहते हैं कि कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है
तो हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कार की स्पीड कभी कम रही होगी या कभी ज्यादा रही होगी, और स्पीड को अगर हमें मेजर करना है तो इसका एक इजी फॉर्मूला है, वो है टोटल डिस्टेंस कवर को हमें टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करना होता है, और इसकी सहायता से आसानी से हम लोग किसी भी व्हीकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को पता कर सकते हैं। अब हम टाइम को कैसे मेजर करेंगे, चले इसके बारे में जानते हैं। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही कम ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट स्पीड पे लगातार चलते रहते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक जैसी नहीं रहती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, जबकि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड जो है वही एक्चुअल स्पीड होती है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम हुआ है? हमारे जो एल्डर्स थे, फोर फादर्स थे, वो दिन में परछाइयां देख के ये बता दिया करते थे कि कितना समय हो चुका है। और आपको अगर 1 महीना 1 साल मेजर करना है तो आप किस प्रकार से मेजर करेंगे? हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास में इतने सारे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनकी सहायता से वो इन चीजों को पता कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज सनराइज का जो टाइम होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी वो आसानी से अपने समय का पता कर लेते थे। टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक्स और वॉचेज जो हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन यूजेबल मेजरिंग डिवाइसेज हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लॉक्स और वॉचेज से हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं? और वास्तव में जो क्लॉक की वर्किंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितने भी लोग क्लॉक्स बनाते हैं वो पीरियोडिक मोशन को यूज करते हैं। और अगर पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो उनमें से सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम जो होता है उसे आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, उसके अंदर एक थ्रेड होता है और थ्रेड में नीचे कोई पीस ऑफ स्टोन या और कुछ मेटेलिक बॉल है वो बंधी हुई हो सकती है, और ये जो मेटेलिक बॉल है उसको उस पेंडुलम का बॉब कहा जाता है। और ये जो पेंडुलम मूव करता है इसके इस मूवमेंट को टू एंड फ्रो कहा जाता है। और आप लोग को ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि पेंडुलम जो है हमेशा मूव करते समय पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल बताता है। पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट जब होता है जब ये ओ से स्टार्ट होकर ए तक जाता है, फिर वापस बी से जाकर ओ तक ये वापस आता है। पेंडुलम का एक ऑसिलेशन ये भी माना जा सकता है जब वो ए से बी तक जाता है और बी से वापस ए तक आ जाता है, तो उसे भी उसका ऑसिलेशन माना जाता है। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम पेंडुलम को लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने 13.4 में एक पेंडुलम रखा है और उसके आसपास किसी फैन को चला दिया है, और पेंडुलम का जो बॉब है उसको रेस्ट पोजीशन में लेके आते हैं। उसके बाद में जब इसका बॉब मूव करेगा तब हम इसके टाइम को मेजर करेंगे। इसके लिए हम कोई स्टॉप वॉच, टेबल क्लॉक या रिस्ट वॉच की सहायता ले सकते हैं। पेंडुलम को मोशन में करने के लिए हमें बॉब को धीरे से होल्ड करना है और फिर इसे धीरे से छोड़ देना है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि पेंडुलम जो है वो किस तरह से अपने ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है। और हमें पेंडुलम जो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसके टाइम को मेजर करना है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अगर शुरुआती राउंड को छोड़ दें तो उसके बाद में पेंडुलम जो है अपना एक ऑसिलेशन जो करता है वो लगभग हर बार उसी समय में करता है। इसी फार्मूला को हमारी क्लॉक्स में काम में लिया जाता था। आजकल हमारी जो क्लॉक्स और वॉचेज हैं उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, और इन क्लॉक्स को क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहा जाता है। और इन क्वार्ट्ज क्लॉक का जो टाइम होता है वो पहले वाली क्लॉक से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। टाइम और स्पीड की यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड है, इसका सिंबल एस होता है।
और टाइम की बड़ी यूनिट मिनट है और उससे भी बड़ी यूनिट आर है। आप इन तीनों को जानते हैं और तीनों का क्या संबंध है वो भी आप जानते हैं। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है एम अपॉन एस। इसे हम लोग दूसरी यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसा कि एम अपॉन मिनट और किलोमीटर अपॉन आर। आपको ये जानना है कि जितने भी यूनिट के सिंबल्स हैं वो सिंगुलर में लिखे जाते हैं। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट होता है। इसकी डिस्कवरी जो है उससे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है। आपने एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो एक बार चर्च में बैठे थे और उन्होंने लैंप जो है जो कि सीलिंग के पास में लगा हुआ था उसके पास में एक चेन मूव कर रही थी, वो एक साइड से दूसरी तरफ मूव कर रही थी और वो उसे देख के बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि उनकी जो पल्स बीट है वो भी उसी प्रकार से मूव कर रही थी जिस प्रकार से वो लैंप एक ऑक्सीलेशन पूरा कर रही थी। गैलीलियो ने बहुत अधिक इस प्रकार से पेंडुलम्स पे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए और फिर उन्होंने माना कि पेंडुलम जो है अगर उसे एक लेंथ दी जाए तो हमेशा वो क्या करता है इस ऑसिलेशन को सेम टाइम में कंप्लीट करता है। और फिर यही पेंडुलम की जो थ्योरी है वो क्लॉक्स में काम में ली गई और उसी के बाद में धीरे धीरे वाइंडिंग क्लॉक्स और रिस्ट वॉचेज जो है वो पेंडुलम क्लॉक्स का रूप लेने लगी। टाइम की अलग अलग यूनिट्स जो है वो अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार काम में ली जाती है। जैसा कि आपकी एज को हम लोग जब भी मेजर करते हैं तो दिन या घंटों में मेजर नहीं करते हैं, उसे ईयर्स में मेजर किया जाता है। लेकिन आपका घर और स्कूल की जो दूरी है उसको हम लोग अलग तरीके से मेजर करते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहें कि 1 सेकेंड कितना लंबा होता है तो अगर आप बोलते हैं 2001 तो इसको बोलने में जितना समय लगता है वो लगभग हमारा 1 सेकंड होता है। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो लगभग मिनट में 72 टाइम्स बीट करती है। जैसा कि हम मान सकते हैं कि लगभग 10 सेकंड में ये 12 बार बीट करती है। और बच्चों के लिए जो हार्ट बीट की रेट है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पहले के समय की अगर हम लोग बात करें तो पेंडुलम क्लॉक्स के प्रचलित होने से पहले बहुत सारे अलग तरीके से टाइम को मेजर किया जाता था। सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स जो हैं ऐसी कुछ डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में काम में ली जाती थी। मेजरिंग स्पीड, आपने टाइम और डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया है और आप अब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किसी मूविंग बॉल की स्पीड को हम लोग कैसे जानेंगे। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। हम लोग ग्राउंड पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे चॉक पाउडर से और अपने दूसरे फ्रेंड को उस तरफ लगभग 2 मीटर दूर खड़ा होने के लिए कह देंगे और अपने दोस्त को बोल देंगे धीरे से एक बॉल को वो इस तरफ फेंकेंगे। और बॉल को फेंकने के बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि बॉल जो है वो रेस्ट पे कब आती है और इसको रेस्ट पे आने में कितना टाइम लगा है। हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे कि कब इस बॉल ने लाइन को क्रॉस किया और कब ये रेस्ट पे आई। इसके लिए हम लोग किसी स्केल या मेजरिंग टेप की सहायता ले सकते हैं। आप अपने चलने की स्पीड या साइकिलिंग की स्पीड जो है अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार से अपनी स्कूल या घर का डिस्टेंस जो है आप पता लगा सकते हैं और आप आसानी से जान सकते हैं कि आप लोगों में से कौन फास्ट है और कौन स्लो है। रॉकेट लॉन्चिंग सेटेलाइट जो कि अर्थ के ऑर्बिट में जाते हैं वो जो है कई बार 8 किलोमीटर पर सेकंड तक स्पीड ले लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो टोर्टोइज जो है वो लगभग 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रॉकेट और टोर्टोइज जो है उनकी स्पीड को हम लोग कैसे कंपेयर करें? अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता लग जाती है तो आप आसानी से डिस्टेंस को भी पता कर सकते हैं। केवल यही करना है कि डिस्टेंस के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है और टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होता है। आपने अपनी मोटरसाइकिल में या कार में इस तरह के डैशबोर्ड्स या मीटर्स लगे हुए देखे होंगे जिन्हें स्पीडोमीटर कहा जाता है। उसमें भी इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है।
और इसी के साथ में गाड़ी की स्पीड को बताया जाता है। और आपकी गाड़ी में एक दूसरा मीटर भी होता है जो आपके डिस्टेंस को बताता है, इसे ओडोमीटर कहा जाता है। पहली एक दिन स्कूल जाते समय ओडोमीटर से हर एक 30 मिनट के दौरान बस के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को नोट कर लेती है और बाद में वो इसे कंपेयर करना चाहती है। इसको कंपेयर करने के लिए हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाना होगा। तो चलिए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। आपने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आदि के अंदर कई बार कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ बने हुए देखे होंगे। आपके सामने जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो एक बार ग्राफ है जो कि 13.8 में है, और 13.9 में एक पाई चार्ट है, और इसी प्रकार से 13.10 में एक लाइन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें लाइन ग्राफ में बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा और उसमें हॉरिजॉन्टल एक्स ओ एक्स बनाना होगा, और इसी के साथ साथ में आपको वर्टिकल वाई ओ वाई बनाना होगा। फिर एक्स ओ वाई जो है वहां पे हमें अपने ग्राफ को शो करना होगा, क्योंकि इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव को बताते हैं और केवल एक्स ओ वाई जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज को बताता है। ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो बना ली है। उसके बाद में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारे टाइम और डिस्टेंस के स्केल्स क्या होंगे। 1 मिनट के बराबर 1 सेंटीमीटर होगा या 1 किलोमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, और इन्हीं की सहायता से हम अपने ग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप 13.12 में देख रहे हैं कि एक तरफ टाइम को रखा गया है और दूसरी तरफ किलोमीटर्स में डिस्टेंस को रखा गया है। टाइम यहाँ पे जो है वो मिनट्स में लिया गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं हमें बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो मोशन के बारे में देते हैं जब हम इन्हें टेबल में रखते हैं। जैसा कि आपने पिछली टेबल में देखा कि एक बस का जो मूवमेंट है वो अलग अलग समय पे किस प्रकार से रहा वो हमें इस ग्राफ की सहायता से पता लग सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।